बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा, तंदूरी पिज़्ज़ा, वो भी क्या कहते हैं फ्राई पैन पे। बस ये पिज़्ज़ा दो की रेसिपी बताती हूँ। पहले हम डालेंगे 1.5 कप मैदा, 1.5 कप मैदा, ड्राई मिल्क पाउडर स्पून, हमने बेकिंग पाउडर डालना, 1/2 टीस्पून यीस्ट मिल्क खमीर, 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर ऑयल डाल दी, मैंने घी डाल और नीम कुनकुना पानी, जिससे हमारे फिंगर अंदर जा सके, बर्दाश्त कर सके, इतना पानी लिया है। और इसको हम नरम से डो गूँ लूँ, थोड़ा थोड़ा पानी कर डाल के इसको नरम से डो गूँ, इस तरह से भून लिया। इसको हम थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको आधा घंटा या 1.5 घंटा, जब तक ये राइस होता है, तब तक इसको गर्म जगह पर रख देंगे, मिलते हैं जब ये राइस हो जाए। इस एक दो से आप बन भी बना सकते हैं, मिनी पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, और पैटिस भी बना सकते हैं, और शॉर्मा के दो भी बना सकते हैं, और इसे ब्रेड भी आप बना सकते हैं, मिनी ब्रेड, और बहुत सी चीज़ें। एक हम आटे के दो से हम खुद भी बना सकते हैं पिज़्ज़े के। चिकन की मैरिनेशन, चिकन में है पाव। अब इसके अंदर हम चीज़ें डालेंगे, गरम मसाला, कुटा भुना हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, साबुत धनिया कुटा भुना हुआ धनिया 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून डालेंगे हम इसके अंदर नमक, हाफ टी स्पून हम इसके अंदर पेपरिका का पाउडर, और हाफ टी स्पून हम कुटी लाल मिर्ची डालेंगे, और 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल, और बाकी चीज़ें डालते हैं। हाफ टी स्पून हम कुटी लाल मिर्ची डाल देंगे, हाफ टी स्पून मैं पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ, आप अपने के मुताबिक आप लाल मिर्चों का पाउडर भी डाल सकते हैं, 1/2 टीस्पून सोया सॉस, 1/2 टीस्पून वाइट विनेगर, 1 टीस्पून हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून हम टीस्पून हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे, और इसको मिक्स कर लेंगे 1 और ये 2। गाढ़ा दही डालेंगे 2 बड़े खाने के चम्मच, गाढ़ा होना चाहिए, पतला होए तो हमारे जो मसाला है ना वो पानी छोड़ देगा, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे, उसको मैरिनेट करके रखेंगे 1/2 घंटा। चिकन को मैरिनेट किए हुए काफ़ी देर हो गई है, हमें 2 टीस्पून इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया, उसको गर्म करके उसको हमने बस जस्ट पकाना है, उसको अच्छी तरह से ड्राई हो गया, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तो इसको हम थोड़ी सी तंदूरी टच देते हैं, क्योंकि हमने इसको जो पिज़्ज़ा है हमने ओवन पे नहीं पकाना, बल्कि हमें चूल्हे पे पकाना है, वो फ्राई पैन में बनाना है, वहाँ भी मैं आपको बताऊँगी। अभी इसको डन हो गया, इसको उतार देते हैं, और फिर चारकोल है उसको गर्म करके इसका धुआँ दे देते हैं, चाकूल अच्छी तरह से हो गए, और हमें फॉइल का मैंने कटोरी से बना दी, थोड़ा सा घी डाल देंगे, अच्छी तरह हमारा जो इसका स्टीम अच्छी तरह हमारे चिकन के अंदर चला जाए, हमने
हमारे सारी चीज़ें पीजे के तैयार हो गई हैं। हम इस फ्राई पैन पे बनाएंगे, दो बन जाएंगे इजली। और ये चिकन हमारे सॉस भी रेडी है, और ये प्याज शिमला मिर्ची और दो भी हमारी रेडी है, और ये चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों मिक्स करके, चेडर मोज़रेला चीज़ ज़्यादा है और चेडर चीज़ थोड़ी है। आप सिर्फ खाली मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं, तो मैंने उसका थोड़ा सा टेस्ट और थोड़ा सा टेक्स्चर अच्छा आ जाता है। चलिए पहले हम डो को, मैंने अपने डो को साफ़ कर लिया है, इसको डो को थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा मैश करके इसके ऊपर कर देंगे, लगा दूँगी थोड़ा सा ऑयल लगा के। तो उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं, फिर उस फ्राइंग पैन को थोड़ा सा ग्रीस करके रख देते हैं साइड पे, फिर रोटी बेल के इसके ऊपर डाल दूँ। उस तरफ हम तवा, कोई पुराना तवा लेना, नया तवा लेने वही तवा लेके तो हम 5 से 10 मिनट इसको गर्म करने के लिए रख देते हैं मीडियम आंच पे। इसलिए हम पकाएंगे आज पिज़्ज़ा, थोड़ा सा मेडस करेंगे। हमारे जो कितना फ्लफी और कितना अच्छा फुला है, इसको हम पूरे को उसको कर लेंगे, बॉल के साथ कर लेंगे, थोड़ा सा इसको हम खुश मत में भून लेंगे। इसको हमने रोल कर दिया है, अब हम दरमियान से इक्वल साइज़ में हम इसको कट करेंगे, ताकि हमारे दो पिज़्ज़े आराम से इसमें बन जाए। एक को रख देंगे और एक को पेड़ बना के इसमें खिला देंगे। रोलिंग पिन की मदद से हम इसको थोड़ा सा मैं इसको बेल लेंगे, हम बेल लिया, हम इसको उसमें डाल के खिला देंगे बेकिंग की मदद से। इसको कर दिया ना, अब हम इसको एयर बबल्स ख़त्म करने के लिए हम कहीं कहीं इसको फॉक से करेंगे ऐसे कि ताकि ये नान की तरह ना बन जाए। कर देंगे फिर इसके अंदर हम अब डालेंगे। अब ये जो हमारा होममेड पिज़्ज़ा सॉस था ना, वो अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे सारा अच्छी तरह से। फिर हम चीज़ डालेंगे इसके ऊपर, चीज़ डालेंगे। भैया हमने चीज़ स्प्रेड कर दिया है, अब हम बोटियाँ दूर दूर करके रखेंगे इसको। ये हमारी टिक्का बोटी है, जहाँ 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 खाली जगह नजर आएगी ना, वहीं वहीं हमने इसको स्प्रेड कर देना, सारे बोटियाँ फैला देनी है। प्याज शिमला में डाल दिया, थोड़ा सा हम इसको हल्की हाथ इसको प्रेस करेंगे, सब कुछ एक मिल जाए। अब इसके अंदर चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो का स्प्रे करेंगे। अब हमने चीज़ स्प्रेड कर दिया है, अब प्याज ये शिमला मिर्च को हमने ऐसे दूर दूर कर रख देना है, ऐसे दूर दूर खिला देना है, ज़्यादा नहीं खिलाना। हाँ, और प्याज़ों को भी हमने, क्योंकि मेरी भतीजी को प्याज पसंद नहीं है, इसलिए हम प्याज कम ही डालेंगे बड़ी भतीजी को। अब इसके प्याज और शिमला मिर्च लेंगे, बस 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 शिमला मिर्च और नहीं डालेंगे इसके अंदर, बस काफ़ी है बस। हाँ, अब हम थोड़ा सा हम चिली फ्लेक्स फैलाएंगे सारी जगह फैलाने, और ये ऑर्गेनो को हम स्प्रेड करेंगे। अगर आपके पास थाइम हो या हर्बल हो वो भी आप डाल सकते हैं इसमें, मेरे पास तो ये अवेलेबल थे और ना मेरे पास ऑलिव्स थे। चलो हमने इसको स्प्रेड कर दिया, और अपने
अब इसको हम तवे पे रखेंगे 15 मिनट के लिए। इसका लीड ला के देना, इसको लीड दे देंगे पूरी। और आंच बिल्कुल स्लोली, बिल्कुल दम वाली आंच रखेंगे 15 मिनट के लिए। मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो लीजिए फ्रेंड, पिज़्ज़ा हमारा हो गया रेडी अल्हम्दुलिल्लाह से। इसको ये देखिए, इसकी यही पहचान है। ये देखें, जब पैन भी आपका पिज़्ज़ा छोड़ देना तो इसका। सो हमारा पिज़्ज़ा हो गया है रेडी। देखिए वाओ, ज़बरदस्त कितना राइस हुआ है, ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बना है माशाल्लाह से। फर्स्ट टाइम मैंने ये उस पर फ्राई पैन पे ये पिज़्ज़ा बनाया है, और बहुत कितना अच्छे लुक आई है इसकी, आप देख सकते हैं। और बड़ा ज़बरदस्त, और बड़ी नरम डो इसकी बनी है, बड़ी ज़बरदस्त फुली फुली डो बनी है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरी ये पिज़्ज़ा की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह।